हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं लास्ट फ्यू डेज़ बहुत बिजी थी, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है हमारा, रोज़ का असाइनमेंट, रोज़ का सेमिनार प्रेजेंटेशन और इंटरनल एग्ज़ाम्स, ये सब चल रहे हैं। और अभी तो हमारे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी बाकी है, तो सिलेबस कम्प्लीट करवाने के लिए भी पूरा तेज़ी से क्लास अभी चल रहा है, तो बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल हमारा चल रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैं थोड़ा सा समय निकाल के आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी CUTN पे PG और इंटीग्रेटेड MSc कोर्स के लिए एडमिशन ले लिए हैं, और जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, और कोई कोई लोग तो ऑलरेडी यहाँ पहुँच भी गए हैं। हाँ, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी थोड़ा बिजी रहने के कारण, लेकिन मुझे लगा ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। हाँ, तो थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन हाउ टू रीच CUTN फ्रॉम चेन्नई। तो मैं पहले बताना जा रही हूँ कि मैं कैसे आई थी पहले जब यहाँ आई थी। हाँ, तो मैं तो गुवाहाटी से आई थी, आई एम फ्रॉम असम, सो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहाँ से मैं आई चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। तो लगभग दोपहर 2 बजे मैं वहाँ पहुँची थी, और आफ्टर डेट मैं वहाँ से तंबरम गई, वहाँ एक होटल लिया और वहाँ दिन भर के लिए मैं थी। क्योंकि चेन्नई से हम थिरुवरूर आना चाहते हैं तो हम ट्रेन से भी आ सकते हैं और बस से भी आ सकते थे, लेकिन मुझे उस समय पे आई हैड नो आइडिया अबाउट द ट्रेन, और मुझे ये बस ये पता था कि हम बस से आ सकते हैं। तो मेरा बस था रात को 10 बजे को, तो इसीलिए मैं एक होटल पे रुकी। मैं मेरी मम्मी के साथ आई थी और हम दोनों एक होटल पे रुके तंबरम पे। और तंबरम पे हम इसलिए रुके क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग किए थे, तंबरम का ही होटल मुझे मिल रहा था तब, बाकी कहीं पे मैं ऑनलाइन बुक नहीं कर पा रही थी। तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम सीधा तंबरम उस होटल पे गए, और उसका नियर बाय जो बस स्टेशन है वहाँ पे हमने टिकट बुक कर लिया, और वो बस था रात को 10 बजे का। और फिर रात को 10 बजे से हमारा बस जर्नी स्टार्ट हुआ, और फिर सुबह हम लगभग 7 बजे को थिरुवरूर मेन टाउन पे आ गए थे, और वहाँ पे भी हम एक होटल पे जाके थोड़ा फ्रेश हो लिए, चाय नाश्ता ये सब पी लिए, और उसके बाद लगभग 10 बजे हम यहाँ के लिए निकले। क्योंकि ऑफिशियल टाइमिंग जो होता है वो 10 बजे से ही होगा ऐसा लगा था हमें, 10 बजे के बाद ही ऑफिशियल काम होगा ऐसा हमें लगा था, तो इसीलिए 10 बजे के बाद ही हम वहाँ से निकले, और आते आते लगभग 11 बज गया था। और थिरुवरूर मेन टाउन से हम यहाँ तक आए थे ऑटो लेके, और ऑटो वाला हमसे लगभग 300 रुपीज़ चार्ज कर रहा था, क्योंकि हमें तब कुछ भी पता नहीं था कि और क्या अल्टरनेटिव वे है यहाँ तक आने के लिए। जो हमें सही लगा तब वही किए, लेकिन बाद में पता चला नहीं और भी कुछ अल्टरनेटिव वे होता है। और चेन्नई से थिरुवरूर तक का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु तक का जो हमारा सफ़र था, उसमें एक भैया ने हमारा बहुत हेल्प किए हैं। वो भैया असम से ही है, लेकिन वो अपने फैमिली के साथ चेन्नई पे ही रहते हैं, रिदीप भैया। वो भैया की वजह से हमें बहुत हेल्प हुआ, जैसे कि उनका यहाँ पे रहना बहुत साल हो गया तो उनको तमिल लैंग्वेज आता है, तो उनके वजह से भी हमें थोड़ा इजी हुआ। जैसे कि होटल पे जब गए तो थिरुवरूर में, तो वहाँ भी सब लोग तमिल ही बोल रहे थे, हमें कुछ नहीं आ रहा था, तो भैया ही उन लोगों के साथ भी बात करे, और मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू थैंक रिदीप भैया, थैंक यू फॉर योर हेल्प। क्योंकि पहली बार कोई एक किसी नए जगह पे आते हैं तो बहुत कुछ छोटे छोटे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और भैया की वजह से हमें इतना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरी मम्मी और मुझे। और फिर CUTN पहुँच जाने के बाद भी मुझे असम के सीनियर्स मिले, उन लोगों से भी मुझे बहुत हेल्प मिला। जैसे कि पहले दिन मिले थे उज्जवल दा एंड अलिम्पिका बा, उन दोनों से मुझे काफ़ी बहुत हेल्प मिला। और ऐसा होता है ना कि एक नए प्लेस पे अगर कोई भी पहचान वाले नहीं है तो बहुत कुछ प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है, और उस दिन उज्जवल दा और अलिम्पिका बा के वजह से मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से रिलीफ भी मिला था। सो दिस वीडियो अगेन आई वॉन्ट टू थैंक यू उज्जवल दा एंड अलिम्पिका बा। तो ये तो था मेरा स्टोरी, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ कैसे आप लोग कैसे आ सकते हो।
तो अभी तक तो शायद यू हैव ऑलरेडी बुक योर फ्लाइट टिकट। इंडिया के किसी भी कोने से आओ, आप आ सकते हो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक फ्लाइट से। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको बस से ही आना होता है, आप ट्रेन से आ सकते हो। और ट्रेन से थिरुभरूर तक आने के लिए आपको एग्मोर रेलवे स्टेशन पे जाना होता है। चेन्नई पे दो रेलवे स्टेशन है, एक तो है सेंट्रल स्टेशन और एक है एग्मोर स्टेशन। अगर आपको चेन्नई से थिरुभरूर आना है तो आपको एग्मोर रेलवे स्टेशन तक जाना होगा, और एग्मोर रेलवे स्टेशन से आपको थिरुभरूर तक का ट्रेन का टिकट आपको मिल ही जाता है। जनरल इतना कुछ रस नहीं होता है। और थिरुभरूर का जो रेलवे स्टेशन है वो पूरा टाउन पे ही है, और वहाँ से आपको ऑटो मिलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने के लिए। और आपको लगभग, लास्ट ईयर था लगभग 300 चार्ज कर रहे थे, इस बार शायद उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी थिरुभरूर से यहाँ तक का जो बस फेयर होता है वो सिर्फ 12 रुपीज़ का ही है, लेकिन ऑटो वाले ज़्यादा ले लेते हैं। और एक बात होता है कि अगर स्टूडेंट्स अगर नॉर्थ साइड के हैं तो वो लोग ज़्यादा थोड़ा चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी होता है। यहाँ पे मतलब किसी को इतना हिंदी नहीं आता, वो लोग तमिल भी आपसे बात करेंगे, और आप लोग अगर हिंदी बोलना चाहो तो इंग्लिश से बात करना चाहो तो उन लोग को समझ में नहीं आता, तो प्राइस भी आप लोग नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, तो वो भी एक रीज़न होता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि 300-400 पे करे बिना थोड़ा कम पैसे में ही थिरुभरूर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक आ सके, तब आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। आप लोगों को थिरुभरूर रेलवे स्टेशन से ओल बस स्टैंड तक आना पड़ेगा, इतना दूर नहीं है, सामने ही है, आप लोग वॉक करके भी आ सकते हो। और आजकल तो आसान हो गया है कि गूगल मैप पे आप लोग देख सकते हो सब कुछ, तो ज़्यादा 5-10 मिनट्स भी नहीं लगता है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है रेलवे स्टेशन से ओल बस स्टेशन। तो वहाँ तक आके आप लोगों को पुत्ती बस, KUTTY, पुत्ती बस के लिए रुकना पड़ता है। पुत्ती बस जो है वो यूनिवर्सिटी तक आता है, यूनिवर्सिटी तक होके दूसरे जगह पे जाता है, तो वही एक बस है जो मतलब पैसेंजर के लिए कन्वीनियंट है आने के लिए यहाँ तक। और वो बस का भी टाइमिंग होता है, एनी टाइम अवेलेबल नहीं होता है, वो बस का भी स्पेसिफिक टाइमिंग होता है, तो आप उस बस से यहाँ तक आ सकते हो, और सिर्फ 12 रुपीज़ लगेगा पर पर्सन। तो मैं अभी बताने जा रही हूँ कुत्ते बस का टाइमिंग। तो गाइस आप लोग देखिए, ये है कुत्ती बस टाइमिंग, KUTTY कुत्ती बस। ये ग्रीन कलर का बस होता है, बस के ऊपर कुत्ती लिखा हुआ होता है। मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ कि बाकी सब कुछ लिखा हुआ होगा तमिल पे ही, तो आप लोग को समझ में नहीं भी आ सकता है, और आप लोग गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके देख सकते हो। और इसका टाइमिंग है, देखो थिरुभरूर से ये सुबह 9 AM को निकलता है। थिरुभरूर से CUTN तक आने का टाइमिंग ये है 9 AM को, फिर नेक्स्ट बस आता है 10:45 AM, फिर नेक्स्ट बस 12:20 PM, नेक्स्ट बस 3:15 PM, नेक्स्ट 5:30 PM, एंड लास्ट जो बस आता है वो है 8:10 PM। और CUTN से अगर हमें थिरुभरूर जाना है तो सुबह 8:05 को एक बस होता है, फिर 9:30 को, फिर 11:30 को, फिर दोपहर 2 बजे को, फिर 4:30 PM को, फिर लास्ट बस टाइमिंग है 6:30 PM को। तो देखिए, अगर आप लोग थिरुभरूर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु तक आना चाहते हैं तो आप लोग इस टाइमिंग के लिए वेट कर सकते हो, ऑटो पे नहीं आके इस टाइमिंग के लिए वेट करके आप लोग बस से ही आ सकते हो, क्योंकि ऑटो से अगर आप लोग आओगे तो वो लोग मिनिमम 300 और मोर देन 300 वो लोग चार्ज करेंगे। और अगर आप लोग बस से आए तो अपना पैसा थोड़ा सेव कर सकते हो, तो इसके लिए ये टाइमिंग होता है। ओल्ड बस स्टेशन पे जाके वहाँ पे किसी को भी आप पूछ सकते हो कि थिरुभरूर से वहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु आने तक का बस कौन सा है, कुत्ती बस कौन सा है, कितने बजे का है, आप लोग वेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग को बस मिल जाएगा। और अगर आप चेन्नई से अगर बस से आना चाहते हो तो अब
जिस स्टेशन पे उतरे हो, रेलवे स्टेशन या तो एयरपोर्ट पे, उसका नियर बाई जो स्टेशन है वहाँ से आप अपना बस का टिकट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही करना होता है, ऐसा नहीं है, आप ऑफलाइन कर सकते हो। और वहाँ से फिर आप आ सकते हो थिरुभरूर बस स्टेशन तक। लगभग 7 आवर्स ऐसा लगता है चेन्नई से थिरुभरूर तक आने के लिए। और ये कभी कभी रोड कंडीशन और वेदर पे भी डिपेंड करता है, अगर बारिश हुआ हो तो मतलब कभी लेट भी हो सकता है। और अपना बस आके रुकता है कभी कभी थिरुभरूर न्यू बस स्टेशन पे और कभी कभी थिरुभरूर ओल्ड बस स्टेशन पे। अगर आपका बस आके अगर थिरुभरूर न्यू स्टेशन पे रुका है तो वहाँ से आपको ऑटो तो मिल जाएगा CUTN आने के लिए, लेकिन आपको बस नहीं मिलेगा। अगर आपको CUTN तक फिर से बस से आना है तो आपको न्यू बस स्टेशन से ओल्ड बस स्टेशन तक जाना पड़ेगा। पब्लिक बस अवेलेबल होता है तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आने के लिए। और सिर्फ 10 रुपये का फेयर लगता है ओल्ड बस स्टेशन से न्यू बस स्टेशन तक आने के लिए। और वहाँ फिर आके अकॉर्डिंगली आप ऑटो से भी आ सकते हो CUTN तक, या तो कुत्ती बस से भी आप आ सकते हो। तो मैंने आप लोगों को एक वे तो बता ही दिया यहाँ तक पहुँचने का, तो और एक वे मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वो है, आप लोग ने अगर अभी तक अपना फ्लाइट का टिकट बुक नहीं करे हो तो आप लोग ये वाला वे अपना सकते हो। अभी आप लोग को शायद पता नहीं होगा कि थिरुभरूर से जो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट, त्रिची एयरपोर्ट भी बोलते हैं उसे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो। तो आप कहीं से भी वहाँ तक आ सकते हो। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नहीं आके आप लोग तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक अगर आप लोग आ गए तो थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थिरुभरूर तक का डिस्टेंस कम है, सिर्फ 2 घंटा का ही डिस्टेंस है। और वहाँ से भी आप लोगों को ट्रेन मिल जाएगा, बस भी मिल जाएगा। ट्रेन होता है कि हर हाफ आवर्स के इंटरवल पे आपको ट्रेन मिलेगा और बस भी मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली आप लोग ऐसे भी आ सकते हो। आप लोग इंडिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो, आप लोग चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टिकट नहीं करके अगर त्रिची यानी तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का आप लोग ने टिकट करे तो आप लोग को ईजी पड़ेगा वहाँ से थिरुभरूर आने तक। और थिरुभरूर से यहाँ तक आने का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु तक आने का तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, आप लोग इधर ऑटो से आ सकते हो या तो कुत्ती बस से आप लोग आ सकते हो, और ऐसे ही आप लोग आ सकते हो। और अगर आप अपना स्टेट से, अपना होम टाउन से फ्लाइट से नहीं आके अगर ट्रेन से भी आए हो तो वही है, ट्रेन से भी आप लोग को चेन्नई तक पहले आना पड़ता है। तो ट्रेन से चेन्नई तक आने के लिए आपका लास्ट जो स्टॉपेज होता है वो होता है सेंट्रल स्टेशन, और वहाँ से यहाँ तक फिर अगर आप चाहो तो ट्रेन से ही आओगे तो फिर वहीं से आपको दूसरा वाला ट्रेन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो है वो लास्ट वाला स्टेशन है। तो वहाँ से फिर से आपको आना पड़ेगा एगमोर स्टेशन तक, और एगमोर तक आने के लिए आप लोग को ऑटो मिलेगा और लगभग आधा घंटा लगता है वहाँ से एगमोर तक। और एगमोर से आपको थिरुभरूर तक का ट्रेन टिकट मिल ही जाएगा। तो फिर आप वहाँ से एगमोर ट्रेन स्टेशन से थिरुभरूर ट्रेन स्टेशन तक आ सकते हो ट्रेन से, और उसके बाद तो वही है मैंने बता ही दिया है। तो जो जो यहाँ पे एडमिशन लिए हो उन सब स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करना चाहती हूँ और ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी इन CUTN, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी, एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय बाय।